तो चलिए साथियों, ये आपका रहा बिहार दरोगा का व्हीकल का एडमिट कार्ड। देखिए मेरा क्या था, पीटी डेट यहाँ देख सकते हैं 12/6/2024 और शिफ्ट 12C था, रिपोर्टिंग टाइम 9 AM था। तो उससे पहले आप लोग को एंट्री लेने लगता है, तो उससे कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा 9 बजे, लेकिन पहले आप लोग को वहाँ पर भी पहुँच जाना है, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोग का, देख सकते हैं मेरा बेघर धनिया बाग में तीसरा भाग ये बार ये व्हीकल हो गया है, ठीक है। तो चलिए और आप लोग को दिखाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और अंदर जाने के बाद आप लोग को इस प्रकार जो है वेरीफाई कर लिया जाएगा, और इस प्रकार जो है आप लोग का जो है मोहर लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। वेरीफाई कर लिया जाएगा अंदर जाने के बाद, और सारा स्टेप तो बता चुके हैं आप लोग को क्या क्या स्टेप होता है। बोलना चाह रहे हैं, पूछना आ जाए क्या रहे जल्दी जरा लेकर वहीं किलो को दिखा दो, इसमें मेरा तीसरा बार है, जा रहे हैं बताएंगे आप लोगों को, बताएंगे कैसा मतलब हुआ, ठीक है। जाओ मास्टर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। क्या हाल है मास्टर, डीबी लगा पूरा हो गया है? सी 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 डीबी हो रहा है, डीबी मतलब हो गया है, हम तो लास्ट में घुसे हैं, अब हो गया पसीना बाहर हो गया ना, होता तो फिर बाहर कहाँ निकला, फिजिकल नहीं निकला मास्टर, दौड़ नहीं निकला किसी, फन नहीं होने क्या चीज़, हाई जंप नहीं निकला, दौड़ नहीं, दौड़ नहीं, अब दौड़ कैसे निकल जाएगा, 2 महीने से तैयारियाँ नहीं कर रहे, डाइट नहीं है, दौड़ टाइम कितना लग गया, 7 मिनट 1 सेकंड लगा है, आप लोग को निकल जाएगा, मेरा देख के ना हंसी आएगा, हम 2 महीने से तैयारियाँ नहीं किए, डाइट नहीं दौड़े, वो तो बोलते रहते वीडियो में। कितना लगा 7 मिनट जैसे हम अभी मेरा उतना फिर है, 2 महीना से तैयारी मतलब तैयारी वाली कर भी नहीं कर रही है, डाइट आई दौड़े हैं आप, हम जान रहे हैं, हम मेरा टारगेट अब बीपीएससी है, खाली आ गए सबको बताने के लिए कि मतलब हंसते नहीं, जो हम तैयारी में 7 मिनट लगा, तैयारी करके मारिए ना जगह, वहाँ बहुत लोग मिला है, अंदर में तो बहुत लोग मिला है, अंदर में बहुत लोग, अरे इतना लोग तो अथी कर रहा है, हम लास्ट में गए थे, अथी लास्ट में खाली गया, डायरेक्ट अंदर घुसेले चले गए थे, बहुत देरी बस थे, सी था, सी और डी सब साथ दौड़ रहा था, हम लास्ट में गए थे, तो लास्ट में गए तो फटाफट मतलब सी वाला तो बहुत पहले से घुस गया था, हमको फटाफट ले चल गया। देखिए अब सर सबको दरवा बनाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, तीसरा बार है, हम तीसरा बार नहीं करना है, तीनों बार ऐसे आए थे, तो सुना सुना लग रहा है, अब तीनों बार आए थे ऐसे, हाँ ग्रुप डी का दौर निकल जाता है, ग्रुप डी का दौर दो बार ऐसे, आवाज़ सुना सुना लग रहा है, डिस्कशन बहुत बढ़िया करा, पहली बार इतना पसीना बहाए, वही सब जाएंगे फील्ड लेवल पर जाएंगे तो फिर उधर पढ़ा ना पाएंगे, ऐसा बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन मेरा तो मतलब उधर कुछ सोर्स है, इसीलिए कोई दिक्कत ना है, जॉब तो उधर होगा फिर उतवा है क्या, मेरा भी था कल रनिंग, उसके ध्यान में कल था मैं, हुआ 6:47 लग गया, हो गया वो कल ले था मेरा, हो गया बंद करो, नहीं हुआ 6:47 था। जय हिंद, गुड मॉर्निंग साथियों। तो चलिए आप लोग बहुत ज़्यादा आशा कर रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो वही जानकारी देने आ गए हैं, कल मेरा फिजिकल था, तो कब याद रहे फिजिकल था, तो कल बहुत ज़्यादा बिजी थे इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए थे, तो आज हम आप लोग को सारा अपडेट देते हैं, और जिसका भी फिजिकल हो उसको तो परेशानी अंदर जाने पर के बाद ना हो, तो अंदर में क्या क्या होता है वो सारा चीज़ बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि कमेंट में आप लोग इतना मतलब ज़्यादा अच्छी अच्छी बात लिखे, कुछ कहने का नहीं आप लोग का, कितना लोग तो बोल रहे थे सर आपका दरोगा हो जाएगा, तो फिर क्या आप दरोगा बनाने वाला बनिए, बनने वाला नहीं बनिए, ठीक है ना, तो सारा चीज़ बताएंगे मेरा क्या इच्छा है, ठीक है ना, और आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद दिए तो बहुत सारा प्यार दिखाए थे कॉमेंट में सभी लोग को, उसके लिए सभी लोग को पुनः जो है धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू। और चलिए बताना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ ग्राउंड में हम प्रवेश किए थे उसका भी वीडियो दिखाएंगे, फिर निकले तो उसका भी वीडियो दिखाएंगे। देखिए पहली बात क्या है कि आप जैसे ही मतलब अंदर जाइएगा तो अंदर आप जो है
पहले कितना लोग को डाउट है कि क्या जूता पहन के रनिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल जूता पहन के भी रनिंग कर सकते हैं। अगर जूता पहन के अंदर चल गए और आपको मैंने जूता पहन के रनिंग नहीं करे तो बल्कि बगल में खोल के भी रख सकते हैं, खोलने का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है ना, आप खोल के रख सकते हैं, ठीक है ना। कितना लोग सोच रहा है मोजा, तो मोजा पहन के भी धो सकते हैं। कितना लोग जो है टेप बांध लेता है, जो टेप आता है पैर में, यहाँ पर टेप बांध के लेता है, टेप बांध के भी धो सकते हैं। देखिए हमको इतना फिजिकल के बारे में नॉलेज ना है, लेकिन हम क्या बताएंगे वो समझिए। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप जैसे प्रैक्टिस किए हैं वैसे दौड़िए, इन्हें कि कुछ प्रैक्टिस ही मतलब नहीं किए हैं आप, कुछ वहाँ पर जाकर नया ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल नया ट्राई नहीं कीजिएगा। जो प्रैक्टिस किए हैं, जैसे प्रैक्टिस किए हैं वैसे दौड़िए, ठीक है ना। अगर आप जूता पर प्रैक्टिस किए हैं वैसे क्या, जूता पर आपको जो है हेल्प ज़्यादा मिलता है तो जूता पर ही करिए। कितना लोग क्या था, जूता पर जूता खोल देगा तो उसको 10 सेकंड जो है ज़्यादा मतलब 10 सेकंड कम जब टाइम में मार देता है, तो उस तरह करिए। लेकिन जिस तरह प्रैक्टिस किए उसे कीजिए, ठीक है ना। अब थोड़ा अंदर जाइए तो क्या होगा, देखिए आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके अंदर जाइएगा। पहले क्या होता है, पहले आप लोग का क्या होता है कि आपका अगर मेरा रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था तो 8 बजे से ही मतलब एंट्री लेना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। जब आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा उसके बाद में जाना है, उससे पहले से मेरा 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था तो हम लगभग 8:50 लिए थे, ठीक है ना। 8:50 लिए तो मेरा सी वाला जो ग्रुप था वो बहुत पहले ही सब लोग अंदर चल गया था, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, चूँकि रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे लिखा हुआ है तो हम तो 9 बजे से पहले ले लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले घुसा देता है क्योंकि जल्दी जल्दी मतलब ए भी हो गया तब सी जाएगा तो मतलब अंदर घुसा देता है पहले, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम से पहले जाइएगा, जैसे आप अंदर जाइएगा तो अंदर जाने के बाद जो है पहले आपका जो है फोटो आएगा, ठीक है, एक जगह जाएगा तो वहाँ पर जैसे अंदर जाइएगा तो वहाँ आपको ले जाएगा और वहाँ पर आपका फोटो आएगा और आपका नाम लिखा रहेगा, खोल देगा, वहाँ पर सिलेक्शन कराएगा तो लाइन में बैठा देगा। लाइन में बैठा देने के बाद फिर क्या होगा, फिर आप धीरे धीरे आप लाइन में जाइएगा, फिर अंदर जाइएगा तो फिर आपका जो है थंब लेगा, ठीक है ना। और थंब लेने के बाद जो है, हाँ, पहले पहली बात ये कि अंदर क्या ले जाना है, अंदर आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये दो चीज़ ले जाना है। बाकी जितना भी कागज़ रहेगा वो आपके जो बाहर में जो आपका गार्जियन है या जो भी हो आपका दोस्त वगैरह उसके पास कागज़ रहेगा, अगर पालिका कर लीजिएगा तो फिर आपका जो पास देगा, पास लेके फिर बाहर से अंदर ले चलाइएगा, ठीक है ना। फिर बता देना चाहते हैं आप लोग को कि अंदर जाइएगा तो वहाँ पर सिलेक्शन करेगा, फिर बैठा देगा, काफ़ी लंबा लाइन रहेगा, पे करके फिर जो है आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़िएगा तो फिर आपका जो है थम लेगा। थम लेने के बाद आपका चार फोटो ऊपर और चार फोटो नीचे अपने आप मतलब चार तरह से फोटो ले लेगा, ठीक है ना। और चार फोटो ऊपर रहेगा, चार फोटो नीचे रहेगा, आपका एक ही बार थम लेगा लेकिन चार तरफ से थम ले लेगा वो एक बार में, ठीक है ना। और चार थम ऊपर रहेगा, चार थम नीचे रहेगा, वो आपको देगा। फिर आगे बढ़िएगा तो अगला राउंड में क्या होगा, वो कागज जो चार फोटो ऊपर चार फोटो नीचे था उसको फाड़ लेगा वो, ठीक है, एगो रख लेगा और फिर क्या करेगा उस पर जो अति फिर आपको जो आगे बढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़ाइएगा तो फिर ग्राउंड के पास जाने के बाद क्या होगा, फिर वहाँ पर जो आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वहाँ ठप्पा मार देगा, मतलब ठीक है ना कि आप मतलब अटेंड कर लिए हैं, निकल के लिए आ गए हैं। उसके बाद फिर अंदर जाइएगा, अंदर में दौड़ कैसे होता है, तो अंदर में जाइएगा तो पानी का व्यवस्था होता है, बोलेगा पानी पीना है कि बताइए तो पानी पीना है, तो पानी पीने रहेगा तो थोड़ा सा पानी मुँह वगैरह भिंगा लीजिएगा, ठीक है ना, पी लीजिएगा, ठीक है ना। अंदर में रनिंग कैसे होता है, अंदर में कभी नहीं सोचिए ग्रुप में दौड़ाता, कभी नहीं। आप गए बोले दौड़ो, ठीक है ना, गए बोलेगा दौड़ो, किसी का अभी शुरू किया है तो किसी का अभी एक राउंड हुआ है, किसी का दो राउंड होल है, किसी का तीसरा राउंड मार रहा है, कोई चौथा राउंड मार रहा है, तो कोई का लास्ट राउंड यानी पांचवा राउंड है, यानी आप जो है उसी में दौड़ रहा है। चिप पर पहले तो चिप उप लगेगा, पैर में जो चिप उप लगता है, जो बांधता है उसे चिप उप लगता है, उसका स्कैनर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ना सोचेगा कि मतलब दौड़ाएगा तो मतलब जो है सब ग्रुप में दौड़ाएगा, सब एक ही बार दौड़ना है, अथी नहीं, सब एक ही बार दौड़ना है, और एक ही बार दौड़ना है तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब हम कितना पीछे हो, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम 3 बार वहाँ पर खुद जा चुके हैं और मेरा तो फिजिकल मतलब तैयारी नहीं की है, फिजिकल तैयारी करके तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं की है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वहाँ जाने पर क्या होता है, वहाँ जाने पर आपको दौड़ा देगा तो ये नहीं सोचेगा कि मेरा जो है पहला राउंड है तो सबका पहले राउंड होगा, नहीं, किसी का दूसरा है, किसी का तीसरा है, किसी चौथा है, किसी पांचवा है, किसी का अंतिम, यानी 5 राउंड दौड़ाता है तो 5वां यानी अंतिम राउंड है, ठीक है ना। तो दौड़ी में तो आप उसी में दौड़ रहे हैं, क्योंकि आपका चिप लगा ले कितना टाइम लगेगा, उसके बाद फिर वहाँ जाइएगा, जैसे 5वां राउंड होगा फिर बगल में जो बैठने वाला रहेगा तो बैठने वाला जहाँ पर बैठिएगा वहाँ बहुत सारा पंखा लगा रहेगा, फिर भी गर्मी इतना ज़्यादा रहेगा, पूरा भीग जाएगा गर्मी से, ठीक है ना। और उसके बाद वहीं पर आप लोग फिर थोड़ा पानी वगैरह भी व्यवस्था रहेगा, पीना चाहिए तो पी लीजिए, नहीं तो वहाँ पर बैठ के आराम कीजिए, ठीक है ना, या पैर उठ के एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, फिर वहीं पर आपका नाम लिया जाएगा, पास हो जाएगा तो पास नहीं भी हो गया तब भी आपका नाम लेगा, और पास क्यों नहीं हुआ है आपको कितना टाइम लगेगा लगा है वो सारा चीज़ बता देगा। मेरा लगा था 7:01, ठीक है ना, 36 चाहिए। और हम तो 2 महीना से मतलब शुरू में थोड़ा दौड़े थे, इधर 7-7 घंटा पढ़ाना
और फिर जो है रनिंग करना मुश्किल था मेरे लिए, तो हम जो है मतलब रनिंग नहीं किए थे, लेकिन आप लोग को बता देना चाहते हैं 2 महीना रनिंग बिल्कुल नहीं किए थे, बैट आके यहीं पर दौड़ गए, ठीक है ना। चूँकि लेकिन आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, मेरे पास तो मतलब चलिए एक साधन है, चूँकि टीचिंग करवा रहे हैं तो हम कुछ मतलब ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि मतलब बिहार दरोगा तो लाजवाब जॉब है, जॉब कोई ख़राब नहीं है, ठीक है ना, लाजवाब जॉब है, रुतबा वाला जॉब है, ठीक है। और बिहार दरोगा की का तो मतलब बिहार में कुछ भी नहीं, ये क्या रुतबा है, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि मतलब हमें लगता है कुछ हम बड़ा कर सकते हैं, और हम सोचते हैं ऐसा जॉब हम करें, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग का जितने जीएस मस्ती में जो पढ़ा रहे हैं वो कभी बंद नहीं हो, जितने जीएस मस्ती में पढ़ा रहे बंद नहीं हो, टीचिंग के साथ वो भी कर सकें, ठीक है ना। इसी में बेस्ट करें और आप लोग को दरोगा कर जो है फौज तैयार कर दें, ठीक है ना। चूँकि हम चल जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, ये फील्ड लेवल है, और टाइम नहीं मिलेगा तो पढ़ा नहीं पाएंगे। और हमको पढ़ाने का शौक तो बहुत पहले से ही है, जब हम 8 में पढ़ते थे तो 7 तक के पढ़ाते थे, 9 में गए तो 8 तक पढ़ाए थे, 10 में गए तो 9 तक क्लास तक के पढ़ाए थे, 11 में गए तो 10 तक के पढ़ाए थे, 12 इंटर पास किए तो 12 का भी पढ़ाए थे, उसके कंपटीशन में आए तो कंपटीशन में फिर आप लोग को पढ़ाए, ठीक है ना। तो मेरा शौक ही है तो और आगे बता देंगे, वीडियो पता चल जाएगा, वीडियो डालेंगे तो ठीक है ना। बाकी बार आप लोग को बहुत सारा प्यार मिला है, कमेंट भी इतना अच्छा अच्छा बात लिखे, कुछ कहने का नहीं, और कुछ कमेंट हम अभी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ऐसा कॉन्टेंट देंगे कि आप लोग मतलब रिजल्ट क्लियर आप लोग का हो जाएगा। और कितना लोग बोला था सब कि आपसे मिल जाएंगे, बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। जॉब लेके भी आ सकते हैं, जॉब नहीं भी है फिर भी आ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं बिहार जम्मू रतनपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में और लिख दीजिएगा क्या चाहिए ना चाहिए, उसका जवाब हम दे देंगे। बाकी बार और वीडियो दिखाते हैं, फिजिकल ग्राउंड का वीडियो दिखाते हैं, वहाँ जो निकले थे वो दिखाते हैं, ठीक है ना। बाय, और सभी लोग को पुनः सभी लोग को धन्यवाद, थैंक यू, और सभी लोग को गुड इवनिंग, जय हिंद, बाय। हाँ, दूसरी बात कि वहाँ पर बहुत सारा भाई लोग भी मिले थे, बाहर मिले थे, अंदर मिले थे, ठीक है ना। अंदर में तो मतलब सब दरोगा वाला ही था, तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर मतलब दरोगा वाला ही था तो सब अधिकतर लोग पहचानते थे, ठीक है ना। तो सभी लोग अच्छा अच्छा बात भी बोले थे, सभी लोग को धन्यवाद, और कमेंट भी जो किए उसको सभी लोग को धन्यवाद। मार्केट में भी बहुत सारा लोग मिले थे, ठीक है ना। चलिए सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग, सभी लोग को जय हिंद, थैंक्स। ये देखिए आप लोग का प्यार खिलाफ कॉमेंट, बहुत सारा लोग मतलब पढ़ाई वगैरह दिए थे, या कितना लोग टेंशन होने लगा था, टेंशन ना लीजिए, ये पढ़ाई मेरा कभी छूटने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप लोग कमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर, आपका अगर SI PUT क्वालिफाई कर गए तो आपका मेरिट से तो कोई नहीं हटा सकता। हाँ, बहुत ज़्यादा नंबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम लोगों का क्या होगा, इसलिए हम भगवान से क्या दुआ करेंगे, आप समझ गए होंगे, वैसे आपकी इच्छा पूरी हो सर। फिर यहाँ सर, आपका हो जाएगा तो हम लोग कौन पढ़ाएगा, भगवान करे आपका नहीं होवे, कितना लड़का को जीवन बर्बाद हो जाएगा आपके जाने से। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं, पढ़ाई तो मेरा छूटने वाला है नहीं, वो वीडियो में बता दिए, आप लोग का भी जानकारी भी दे दिए, ठीक है ना। और ठीक है, वो सारा से जानकारी दे ही दिए हैं, और अभी आप लोग को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए रनिंग निकल जाएगा बट जॉब नहीं कीजिएगा, हम लोग आप ही से टिके हुए हैं, बहुत सारा है, ठीक है ना। बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारा दम भर कमेंट आया है। यहाँ देखिए आप लोग, थोड़ा नीचे देखिए, आप दरोगा बन जाइएगा तो क्लास कौन लेगा सर, बिल्कुल क्लास छूटने वाला तो है ही नहीं, इसका तो आप लोग टेंशन ही ना लीजिए। यहाँ देखिए आप लोग लिखा हुआ, भैया आप दरोगा के लिए नहीं, यहाँ देख सकते हैं, भैया आप दरोगा के लिए नहीं, आपके लिए UPSC या UPSC है, तो मेरा दिल के बात बोल दिया है। चलिए और दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत सारा कवर कुछ हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। क्या भैया आप दरोगा के चक्कर में फंसे हैं, आप दरोगा बनाइए, चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और आप लोग बनिए, डबल स्टार लगाइए,